हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल नितेश केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत है बच्चों। तो आज हम लोग जो हम पिछले वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे बच्चों। हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे हम लोग। तो वहाँ पर हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में दो मेथड बता चुके थे बच्चों कि आप एल्कीन या अल्काइन से कैसे बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बता सकते हैं हम आप बना बना सकते हैं आप लोग। वहाँ देखे थे बाय द ऑक्सीडेटिव ऑक्सोलाइसिस, है ना, बाय द KNO4OH माइनस, ये सब भी आपके पास था वहाँ पर बच्चों। फिर आप ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड, ये सब का भी दूसरे मेथड से हम लोग कर पाए थे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कि अल्डिहाइड से और अल्कोहल से बच्चों। ठीक है, आज हम थर्ड स्टेप चलते हैं बच्चों, थर्ड रिएक्शन चलते हैं कि कहाँ से हम लोग फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो जरा उसको देखिए आप लोग। थर्ड में आप लोग को बता रहे हैं आप लोगों को फ्रॉम, इसमें क्या बता दिए बच्चे पहले, फर्स्ट में कहाँ से आपको मिल पाया, फ्रॉम द एल्कीन एंड अल्काइन, वहां से मिल पाया कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। दूसरा कहाँ से मिल पाया बच्चों, फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, कीटोन का भी ऑक्सीडेशन होता है बच्चों ड्रास्टिक कंडीशन में, तो वो भी हम देखे थे हम लोग। तो आज हम लोग फिर प्रिपरेशन में ही चलते हैं हम लोग और प्रिपरेशन को ही कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट। इसे कैसे बना पाएंगे बच्चों, है ना, यहां से कैसे बना पाएंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, जरा उसको देख ले हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बता दें आपको, इसका जो रिएजेंट हो जाएगा बच्चों CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जैसा कि यहां पर देखिए आप लोग, मान लो कि RMgX है, X का मतलब आप हेलोजन समझ सकते हैं बच्चों, Cl हो, Br हो, I हो, ये तीनों में से कोई यूज कर सकते हैं आप लोग। तो RMgX है आपके पास और उसमें हम क्या कर दिए, CO2 का रिएक्शन करवा दिए। अच्छा, CO2 को लिखना है इस तरह से बच्चों, आप लोगों देखो ये CO2 लिखा हुआ है, CO2 को ऐसे लिखना है, यहाँ माइनस होगा बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है ना, तो पाई बॉन्ड उधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस प्लस बनेगा बच्चों। ठीक है, इसको अगर तोड़ेंगे बच्चों तो आर माइनस MgX प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हो पाएगा। तो देखो माइनस वाला पार्ट प्लस में जुड़ जाएगा बच्चों और प्लस वाला पार्ट माइनस में जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आर इसमें जुड़ गया, इसके साथ जुड़ गया, तो क्या हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस MgX प्लस, ऐसा हो जाएगा बच्चों। और उसके बाद क्या करना बच्चों, यहाँ पर वाटर दे देना आप, वाटर वाटर दे देना आपको, वाटर में क्या होता है, H प्लस और OH माइनस, ये जो O माइनस है बच्चों वो H प्लस को ले लेगा और क्या बना देगा, यहाँ देख लो R C डबल बॉन्ड O OH और MgX OH, तो देखो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों। तो यहां पर इन शॉर्ट में आपको बताया बच्चों, अगर शॉर्ट में बताया आप लोगों को कि तुरंत कैसे काम करना है, इतना दिखाने की आवश्यकता नहीं बच्चों आप लोगों, है ना, एग्जाम में इतना दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों, सीधे काम कैसे कर सकते हैं, आर एम जी एक्स ले लो और CO2H2 ले लो आप लोग, और यहां देखो तुरंत काम कैसे किया जा सकता है बच्चों, यहां पर बस आपको करना क्या है कि MgX को हटाना है, MgX को हटाना है और वहां पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको जोड़ देना है बच्चों, आर सी डबल बॉन्ड ओ OH कर देना है आप लोगों, ये जोड़ देना आपको, एक्स्ट्रा जोड़ देना है। ठीक है, MgX को हटाइए और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको जोड़ दो, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, इजी है ना। ठीक है, और जो बचता है सब बच्चों ये सब बाय प्रोडक्ट है, इस सबका कोई काम नहीं है, आपका तो मेजर काम यहीं पर है। ठीक है, तो शॉर्ट में ही काम करना बच्चों, जो दुख देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग, ये आपका MgX हटाइए और कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप को रख दीजिए बच्चों। ठीक है, तो हम लोग जरा इसका कुछ एग्जाम्पल भी देखें, इसका कुछ एग्जाम्पल देखें हम लोग।
जरा देखिए इसको एग्जांपल में, अगर हम लोग बच्चों CH3 CH2 Cl लिए, हम लोग CH3 CH2 Cl मतलब ये हेलो एल्केन है बच्चों, इसका नाम क्लोरोइथेन हो गया, और यहां पर क्या करते बच्चों हम लोग एमजी ट्राइथर डाल दें। इसमें हम आपको ये बताना चाह रहे हैं बच्चों कि पहले डिटर्जेंट कैसे बनेगा, पहले वो तो समझ लीजिए, है ना, ऐसा आपको पता भी है फिर भी एक बार देख लो यहां पर। तो CH3 CH2 Cl एमजी ट्राइथर डाल दिए तो क्या हो जाएगा आपको, ये CH3 CH2 MgCl हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो ये डिटर्जेंट हो गया, और यहां पर हम लोग क्या कर दें CO2H2O कर दें हम लोग। तो क्या आसान तरीका बताए थे आपको, क्या शॉर्ट ट्रिक बताए थे आप लोगों को कि MgCl को हटा दीजिए, रिमूव करवा दीजिए और वहां पर क्या जोड़ देना बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ देना आप लोगों, यानी कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH ऐसा जोड़ देना बच्चों। देखो ये क्या था आपका क्लोरोइथेन, और इससे क्या बन गया बच्चों प्रोपेनोइक एसिड। देखिए कार्बन बढ़ भी गया बच्चों, यहां पर क्या हुआ, यहां पर 2 कार्बन थे, यहां पर 3 कार्बन हो गया, यानी 1 कार्बन बढ़ भी गया यहां पर, इस बात को ध्यान देंगे यहां पर। ठीक है, जैसे अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए बच्चों कि आपको जो है CH3 ऐसा ब्रोमाइड है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, इसका नाम क्या है बच्चों, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, और यहां से क्या करना आपको CH3 CH CH3 और C डबल बॉन्ड OH ऐसा करना है आप लोगों। ठीक है, इस तरह से बनाना है आपको। तो आप समझ पा रहे होंगे यहां पर कि इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा क्या हुआ, ये एसिड ग्रुप जुड़ गया है, कैसे जुड़ पाएगा बच्चों, जरा इसको भी देख लें हम लोग CH3 CH। पहले क्या करना चाहिए हम लोग को, एमजी ट्राइथर है ना, फिर क्या कर ले हम लोग CH3 MgBr हो गया, फिर यहां पर CO2H2O कर ले हम लोग, CO2H2O जैसे ही डालेंगे आप लोग क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर MgBr हट जाएगा, ये MgBr हट जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 CH ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बच्चों आपको ऐसा करना हो, लेकिन अगर आपको क्या करना हो, क्वेश्चन है आपके पास ऐसा है, इससे बनाना है क्या आप लोगों को, ये कर देना आप बच्चे, इसका नाम होता है आइसोथैलिक एसिड, पीएच इसमें साइलेंट होता है बच्चों। अगर आपको थ्री ब्रोमो टॉलिन दे दिया है, इसका नाम क्या हो गया, थ्री ब्रोमो टॉलिन, और इससे आपको क्या बनाना है, आइसोथैलिक एसिड, कैसे बना पाएंगे बच्चों हम लोग, जरा देखें इसको, इसका आंसर करें हम लोग, ये सब क्वेश्चन ही है बच्चों आप लोगों, तो क्या करना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर, सबसे पहले तो एमजी ट्राइथर डाल दें बच्चों, यहां पर एमजी ट्राइथर डाल दें, इससे क्या हो जाएगा MgBr हो जाएगा, ये CH3 रह जाएगा यहां पर, फिर यहां पर क्या कर दिया जाए CO2H2O, इससे क्या हो गया जो MgBr था ना बच्चों यहां पर, ये पूरा का पूरा हट जाएगा। ये आप इस तरह का मेथड हम लोग फिनाइल में भी कर सकते हैं बच्चों, ऐसा नहीं कि सिर्फ एलिफेटिकल या ओपन चेन में या साइक्लिक रिंग में करना है आपको, ये काम आप फिनाइल ग्रुप में भी कर सकते हैं बच्चों यहां पर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा CH3 हो जाएगा, और यहां पर आपको एक रिएक्शन बताया था बच्चों, एक रिएक्शन बताए थे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन, पिछले वाले जस्ट वीडियो में हम आपको बताए थे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन,
तो बेंजीन पे जब अल्काइल हो बच्चों और हॉट अल्काइल केमनो फॉर डाउट है हम लोग, तो अल्काइल क्या हो जाएगा, जो अल्काइल होगा उसके पास एटलीस्ट देखो इस कार्बन पर, इस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन हुआ बच्चों तो हम आपको बताए थे कि पूरा का पूरा अल्काइल हट जाएगा और वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड बैठ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर CH3 एसिड हो जाएगा और यहाँ भी एसिड हो जाएगा, इस तरह से आपका बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं, इसका यूज कर एप्लीकेशन बता रहे बच्चों इसका आप लोग। यानी कि आप फिनाइल में भी आप जो है कि ब्रोमो एल्केन हो, ब्रोमो बेंजीन हो, क्लोरो बेंजीन हो, है ना, या आयरो बेंजीन हो, उसके साथ में MG लगा करके उसको ग्रेनाइटिजन में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर उसको हम CO2 स्टोर लगा करके हम लोग बेंजो एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया बच्चों कि हमारे पास एक क्लोरो बेंजीन है और इससे बनाना है आप लोगों को ये, तो बन गया आपका, ये तो बन जाएगा, है ना, ये तो बन जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्लोरो में क्या करना आपको, एमजी ड्राई थर्क लगाइए, एमजी बीआर हो गया और यहां पर CO2 H2O लगा दीजिए, इससे क्या हो जाएगा बच्चों, बेंजोइक एसिड बन गया, क्लोरोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बन गया बच्चों। ठीक है, आसान है, ये सब आप यूज कर सकते हैं। हम आगे के प्रिपरेशन में चलते हैं बच्चों, हम लोग आगे के प्रिपरेशन में चले हम लोग। एक छोटा सा काम यहाँ आपको बता दे बच्चों, जो कि आपको कभी दिक्कत आए तो उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे CH3Cl है बच्चों और इससे बनाना है CH3C(OH), है ना, तो इसका दो मेथड हो सकता है बच्चों। पहला मेथड क्या है कि CH3Cl जो है यहाँ KCl लगा दे और CH3Cl कर दे, और हम आपको हाइड्रोलाइसिस बताए थे इसका, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं बच्चों, तो क्या बन जाता है ये, तो CH3C(OH) हो जाता है। इसका दूसरा मेथड क्या हो बच्चों कि Cl है, Mg ड्राइथर है, तो पहले क्या कर लेंगे हम लोग MgCl बना लेंगे और फिर यहां पर क्या कर लेंगे CO2H+ कर लेंगे बच्चों हम लोग, तो CH3 ऐसा कर लेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन ये मेथड आप बच्चों बेंजीन में मत यूज कर देना आप लोग, अगर कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है आपके पास, ये थोड़ा सा आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि आप ये मेथड आप इसमें यूज नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये है और KCl लगा दें हम लोग तो नो रिएक्शन हो जाएगा, नहीं रिएक्शन हो पाएगा, KCl यहाँ पर Cl नहीं जोड़ पाएगा, क्योंकि क्लोरीन का लोन पेयर कहाँ जाता है बच्चों, रेजोनेंस में जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है, तो ये KCl वहाँ पर जोड़ नहीं पाता है, इसलिए ये रिएक्शन मत करना बच्चों, ये जो ऊपर वाला रिएक्शन किया है वो मत करना यहाँ पर। हाँ, सेकेंड वाला मेथड यूज कर देना आप लोग। हाँ, सेकेंड मेथड क्या है बच्चों, तो वही है कि MG ड्राइथर लिए फर्स्ट में और सेकेंड में क्या कर दिए CO2H2O कर दिए, इससे बना दिए हम लोग। तो ये ध्यान रखना आप लोग, इस क्लोरोबेंजीन में बच्चों KCl यूज नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो फोर्थ मेथड है बच्चों आपको, फ्रॉम एल्केनाइट्राइल RCN, अभी जो बात किए थे हम लोग RCN, बहुत इजी काम है बच्चों इसमें, कि अगर हम लोग क्या कर दें, RCN है और हम लोग H2O H+ डाल दें बच्चों, हाइड्रोलाइसिस करवा दें इसका हम लोग। लेकिन याद रखिए, इसमें दो तरह का बात यहां बोला जाता है, कहीं पर लिखा रहेगा बच्चों कि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, कहीं पर क्या लिखा रहेगा, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, और कहीं पर लिखा रहेगा आपको कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। लेकिन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस जब होगा बच्चों तो वहां पर कुछ नहीं लिखा रहेगा, लेकिन जब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस रहेगा तो वहां पर लिखा रहेगा नीचे में ब्रैकेट के अंदर एरो के नीचे, यहां पर लिखा रहेगा पार्शियल, है ना,
तो जब पार्सियल होगा तो क्या होता है, तो पार्सियल का मतलब बच्चों एक मोल वाटर यूज किया गया है, और जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है तो दो मोल वाटर यूज किया गया है। बात समझ रहे हैं बात को यहाँ पर? तो हम देखो एक मोल यूज करके दिखाते हैं आपको। हम यहां पर आप लोग H2O OH- भी ले सकते हैं बच्चों, यहां पर सिर्फ जो एसिड और बेस है वो एज ए कैटलिस्ट है बच्चों, जो कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है। मेन काम किसका है? वाटर का है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले वाटर में देखो H प्लस और OH माइनस होगा, तो ये माइनस यहाँ होगा, हाँ प्लस होगा, तो R C देखो प्लस पे क्या जुड़ जाएगा, माइनस OH डबल बॉन्ड NH, ऐसा हो जाएगा बच्चों। क्योंकि यहां पर ये इस तरह का फॉर्म है, ये लेस स्टेबल मानते हैं बच्चों इसको हम लोग, इसका कीटो फॉर्म बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, या एमाइड फॉर्म कहते हैं इसको हम लोग। कैसे बनाते हैं हम लोग इसको? टॉटोमेरिज्म के द्वारा, टॉटोमेरिज्म के द्वारा बनाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इसका वाला बॉन्ड इधर डालते हैं, ये नाइट्रोजन पर जाता है, और जो नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज होगा बच्चों, और हाइड्रोजन जो निकलेगा प्लस के रूप में, वो यहां पर जुड़ जाएगा बच्चों, यानी कि फर्स्ट ये सेकेंड ये थर्ड, ऐसा हुआ है, ये फर्स्ट हुआ बच्चों, ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ, इस तरह से, ठीक है। तो यहां से क्या बन गया, NH2 देखो एसिडामाइड बन गया आपका। ये मतलब कहना ये बच्चों यहां पर कि जब आप वन मोल वाटर यूज करेंगे RCN में, एल्केन नाइट्राइल में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो एसिडामाइड बन जाएगा, एसिडामाइड बन जाएगा, ठीक है। वन मोल वाटर, इसको पार्शियल हाइड्रोलिसिस बोल दिया हम लोग। जब हम फिर से वाटर यूज करें बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस या OH माइनस, ठीक है, तब क्या होगा, यहां पर हम लोग इस तरह से H और OH रखेंगे, यहां से बॉन्ड ब्रेक कर देंगे बच्चों, ऐसा बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, अब प्लस कौन सा गैस निकलेगा, अमोनिया गैस निकलेगा। तो देखो हमारा क्या बन गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो देखिए पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो एमाइड बन जाएगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा बच्चों। पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा तो आपको एरो के नीचे आपको लिखा रहेगा, अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा बच्चों तो कुछ नहीं लिखा रहेगा, आपको सीधे एसिड में आ जाना है, ठीक है, साइनाइड से। तो जरा देखें हम लोग यहां पर रिएक्शन, इसका रिएक्शन देख लो बच्चों आप लोग। जैसे आपका CH3CN है और लिख दिया क्या, H2O OH माइनस पार्शियल, पार्शियल लिख दिया आपको, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिख दिया आपको, ये है ना। और एक बार हम लोग क्या किए, H2O H प्लस है और कुछ नहीं लिखा हुआ बच्चों, याद रखना ये OH माइनस भी दे सकते हैं, H प्लस भी दे सकते हैं बच्चों। यहां पर भी H प्लस हम दिखा रहे हैं आप लोगों, लेकिन यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो गया। तो देखो ऊपर वाले में क्या बनेगा, CH3CONH2, देखिए एक मोल पानी जुड़ा हुआ है, H2O ग्रुप में एक मोल पानी जुड़ा हुआ है। जब हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा बच्चों यहां पर क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, यानी कि ये एसिटामाइड हो जाएगा, ये एसिटामाइड है और ये एसिटिक एसिड है, यही काम होता है बच्चों, ये काम आप बेंजीन में भी कर सकते हैं, साइनाइड हो गया H2O OH माइनस पार्शियल, आप यहां पर बच्चों H प्लस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ मीडियम है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम यूज होता बच्चों। तो जरा देखिए ये क्या बन जाएगा, बेंजामाइड, ठीक है। और जब कंप्लीट होता है बच्चों तो क्या बन जाता है, ये बेंजोइक एसिड,
ठीक है ना, इस तरह से हम लोग रिएक्शन कर पाएंगे। और इसे मैं आपको बता दें बच्चों, एक नोट करके बता दें, बहुत सारे बच्चों को साइनाइड का पूरा रिएक्शन पता नहीं होता है, इसके वजह से दिक्कत होता है। तो देखो हम यहाँ पर साइनाइड का पूरा रिएक्शन दिखा रहे हैं बच्चों, ठीक है, हर एक बहुत सारे कन्वर्सन में इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। साइनाइड का और भी रिएक्शन देख लीजिए ताकि कोई भी कन्वर्सन करने में आपको दिक्कत ना हो बच्चों। ये जनरल रिएक्शन दिखा रहे हैं आपको हम, H2O H+ पार्शियल, तो क्या बन जाएगा जो कि अभी आप सीखे, एसिटामाइड बन जाएगा। हम सब दिखा दें यहां पर, अगर H2O H+ है बच्चों, जिसको हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं हम लोग, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इजी है। यहां पर बच्चों हम लोग फर्स्ट में एसेंशियल टू प्लस एसिड डालें, है ना, पहले ऐसे करें हम लोग एसेंशियल टू प्लस एसिड। तो एसेंशियल टू प्लस एसिड बच्चों ये हाइड्रोजन सप्लाई करता है, क्या करता है ये, हाइड्रोजन सप्लाई करता है ये। और रिएक्शन कैसा होता है, एसेंशियल टू जो है ना एसिड से रिएक्शन करेगा, एसेंशियल फोर प्लस H2 बनेगा, आप दो कर लीजिए इसको, है ना, ऐसा बनेगा। तो देखो हाइड्रोजन सप्लाई हुआ कि नहीं, यही हाइड्रोजन सप्लाई यहां पर जुड़ जाता है बच्चों। एक पाई बॉन्ड तोड़ देना है, दोनों कार्बन हाइड्रोजन पर एक एक हाइड्रोजन जोड़ देना है, ये आयनीन बन गया बच्चों, ये एज ए इंटरमीडिएट इसका है आपका, ये बीच में आया हुआ है। और फिर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहां पर वाटर जोड़ दें, वाटर जोड़ देने से क्या होगा, H यहां पर कुछ ऐसा लिख लो, और यहां से बॉन्ड ब्रेक करते हैं, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये एल्डिहाइड प्लस अमोनिया गैस निकलेगा, देखो एल्डिहाइड बन जाएगा, ये बीच में आयमीन बना है, बाद में फिर एल्डिहाइड बन गया, वाटर डाले था बच्चों, ठीक है। तो ये पूरा रिएक्शन जो होता है बच्चों, यहां से लेकर साइनाइड से लेकर के एल्केनाइट्राइल से लेकर के एल्डिहाइड तक का जो प्रोसेस हुआ है, इस रिएक्शन का नाम है स्टेफेंस रिडक्शन, स्टेफेंस रिडक्शन, याद रखना आप लोग। स्टेफेंस रिडक्शन में क्या होता है, इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच एल्केनाइट्राइल रिएक्ट्स विद एसेंशियल टू प्लस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, देन एल्डिहाइड इज फॉर्म। इस कॉल्ड स्टेफेंस रिडक्शन बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, स्टेफेंस रिएक्शन समझ में आ गया होगा आप लोगों। अब आगे देख लो, अगर हम लोग अल्कोहलिक सोडियम यूज करें बच्चों, अल्कोहलिक सोडियम, इसका नाम क्या है, अल्कोहलिक सोडियम, ठीक है, तो ये भी क्या करता है, हाइड्रोजन सप्लाई करता है, लेकिन ये एमीन बना देता है बच्चों, मतलब कि सिग्मा को छोड़ दीजिए और दोनों पाई को तोड़ दीजिए, सिग्मा को छोड़ देना है, दोनों पाइपों को तोड़ देना है, और दोनों पाइपों टूटने के बाद दो दो हाइड्रोजन, दोनों कार्बन नाइट्रोजन दोनों पर डाल देना है बच्चों, तो इससे क्या हो जाएगा, एमीन। इस रिएक्शन का नाम होता है बच्चों मेंड्यूस रिडक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन दे रहे हैं ना, तो रिडक्शन तो हुआ, लेकिन नाम क्या हुआ इसका, मेंड्यूस रिडक्शन, ठीक है। उसी जैसे यहां पर SN प्लस HCl कर दो बच्चों, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कर दो पानी के प्रेजेंस में, ये दोनों भी आपको क्या बना देगा, एमीन ही बना देगा, एमीन बना देगा, ठीक है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि आप एसिड हैलाइड से, एसिड नाइट्राइल से, या एल्केन नाइट्राइल से एमाइड बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं बच्चों, एमीन बना सकते हैं, एमीन, एमीन बनाया सकता है। ये सब साइनाइड का रिएक्शन होता है बच्चों, ठीक है। और भी इसके रिएक्शन होते हैं जो कि हम आपको बताए थे कि HCN में अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज किया जाए, HCN में तो एल्डिहाइड बनता है, और अगर कीटोन में यूज किया जाए HCN का रिएक्शन, ठीक है, तो वहां पर RCN में, अगर HCN में अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज किया जाए तो एल्डिहाइड बनता है, और दूसरे कोई RCN में यूज किया जाता, RCN में
ग्रेनाडिनियम यूज किया जाता है तो कीटोन बन जाता है बच्चों। तो हम पहले लिखवाए हैं आप लोगों एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन में, तो उसको जरूर देखेंगे। यहाँ पर भी हम आपको साइनाइड का कुछ रिएक्शन बता दिए, इसमें कि स्टेफन्स रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और ये लिथियम एल्युमिनोहाइड्राइड के साथ जो रिएक्शन हुआ है बच्चों, ये सब भी देखना आप लोग, इमेज बना दिया वो। तो ये सब साइनाइड का रिएक्शन हो गया बच्चों ये सब। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम ऐसे एल्केन एक्टाइल से साइनाइड कैसे बनाए समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पांचवा में, फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव के बारे में पढ़े थे ना बच्चों हम लोग, एसिड डेरिवेटिव क्या क्या होते हैं। तो एसिड डेरिवेटिव जो होता है वो चार होते हैं, ठीक है, सबका नाम भी लिखा देते आपको हम, ऐसे आपको पता भी होगा, एसिड एमाइड, इस्टर, एसिड एनहाइड्राइड और एसिड हैलाइड। उन सभी का हाइड्रोलाइसिस करेंगे बच्चों तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो जरा देखिए हम लोग फर्स्ट में RCOCl, देखो ये क्या हो गया, एसिड हैलाइड हो गया। इसमें अगर हम पानी से रिएक्शन करवाए बच्चों, और यहाँ पर थोड़ा बेस डाल देते हैं हम लोग, यहाँ पे पाइरिडीन डाल देते हैं हम लोग, यहाँ पर बेस सिंपली कुछ बेस डाल दो आप लोग, ताकि आपका यहाँ पर क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। देखो यहाँ पर एच रखना, यहाँ पर OH रखना आप लोग, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देना आप लोग, ठीक है। H2 डायरेक्ट यूज किया हम लोग बेसिक मीडियम में, तो हम लोग क्या किया, क्या हो गया, तो क्या बन गया आपको RC डबल बॉन्ड OH। अब प्लस क्या हो गया, HCl, ये जो HCl बना बच्चों एसिड, वो बेस उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज करेगा। एक बात और कर सकते हैं बच्चों कि सीधे बेस डाले हम लोग NOH, सीधे बेस डाले NOH साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर नहीं डाले हम लोग, क्या डाल दिए, बेस डाल दी, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो H यहाँ पर O- Na+ प्लस होगा, और यहाँ थोड़ा बॉन्ड ब्रेक कर दे बच्चों, ठीक है, तो क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O- Na+, ऐसा भी होता है ना। और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एसिड डाल दे HCl डाल दे हम लोग, तो क्या हो जाएगा बच्चों, O- H को ले लेगा, NaCl को ले लेगा, तो OH हो जाएगा प्लस NaCl हो जाएगा। तो इस तरह से भी एसिड बन सकता है बच्चों। आप डायरेक्ट पानी ना लेकर के अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले, और जो प्रोडक्ट बनेगा आपका सोडियम एल्कनोएट, वो उसको क्या करते हैं हम लोग, एसिड डाल दें उसके अंदर बाद में, उसके बाद एसिड बन जाएगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। HCl डाल दिए, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया बच्चों, इजी है, ठीक है। तो इसी तरह से बनाते हैं हम लोग, ये तो एसिड हैलाइड था ना बच्चों। अब हम लोग एसिड एमाइड देख लें हम लोग, ये क्या है एसिड एमाइड, यहाँ भी सेम टाइप का कुछ काम होता है, आप सीधे वाटर डालिए इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस बच्चों, ठीक है, तो क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या H और OH करना आप लोगों, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना आप लोगों, प्लस क्या होगा अमोनिया गैस बन जाएगा आपके लिए। यहाँ भी आप डायरेक्टली बेस डाल सकते हैं NOH, यहाँ भी आप डायरेक्टली बेस डाल सकते हैं बच्चों, तो क्या बन जाएगा O- Na+, और निकल क्या गया बच्चों, यहाँ पर अमोनिया निकल गया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किए। ये तो वाटर वाला ऊपर के लिए दिखा रहा है आपको, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड नीचे दिखा रहा है बच्चों आप लोगों, ठीक है, इस तरह से बन गया। और फिर यहाँ पर क्या किया जाए, फिर HCl डाल दें हम लोग, तो हम लोग RC डबल बॉन्ड OH बना ले, प्लस NaCl निकल गया, इससे भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है बच्चों, ठीक है। तो जैसे काम एसिड हैलाइड में किए, वही काम हम एसिड एमाइड में भी कर सकते हैं, है ना, वाटर डाल दो डायरेक्टली, या तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लेके आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। दोनों में से अच्छा माना जाता है कौन बच्चों, तो फास्ट किसको मानते हैं हम लोग, ये दो नीचे वाला जो रिएक्शन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो वाला जो रिएक्शन है आपका, फिर बाद में HCl डाल दिया जो, ये थोड़ा फास्ट रिएक्शन होता है ना, ये फास्ट रिएक्शन होता है, इसीलिए ज़्यादा प्रिफर ये इसको किया जाता है। और ऊपर वाला रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग उसमें थोड़ा ज़्यादा है बच्चों, तो ये नीचे वाला रिएक्शन फास्ट होता है, ऊपर वाला स्लो होता है, दोनों कंडीशन में।
इसलिए ज्यादा प्रेफर ये होता है, लेकिन दोनों रिएक्शन यूज कर सकते हैं बच्चों। फास्ट और स्लो पूछेगा तब आप नीचे वालों को फास्ट बोलना, नहीं तो फिर ये दोनों रिएक्शन सभी दोनों सही है। ठीक है, और जो बच गया बच्चों एसी डेरिवेटिव, जैसे कि यहां पर हम आपको दिखाएं सी में आर सी ओ ऐसा है आपके पास, इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, सीधे इसमें वाटर रिएक्शन करो बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ एच प्लस। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर एच, यहां पर ओ एच, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दोनों तरफ एसिड बन जाएगा, दो मोल। देखिए अगर दोनों तरफ अल्काइल सेम है बच्चों तब तो दो मोल बन जाएगा, अगर दोनों तरफ अल्काइल सेम नहीं हुआ तो फिर दो अलग अलग एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड ही, तो ये बहुत इजी है। थोड़ा ईस्टर का देख लीजिए बच्चों आप लोग, ईस्टर में थोड़ा समझना है आप लोगों, ईस्टर में केस वन बनता है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, पहले एसिडिक हाइड्रोलाइसिस समझ लें हम लोग, उसके बाद हम लोग बेसिक हाइड्रोलाइसिस समझेंगे। दो तरह का यहाँ पर रिएक्शन होगा, एक एसिडिक हाइड्रोलाइसिस और दूसरा क्या बच्चों बेसिक हाइड्रोलाइसिस। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में हम लोग वाटर तो लेते ही हैं, हाइड्रोलाइसिस करना तो पानी तो लेना ही है आपको, साथ में एसिड की मात्रा लेते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश है आपके पास, ठीक है, यहाँ वाटर ले लिए और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है बच्चों, एच प्लस ओनली कैटलिस्ट है, जो H2SO4 डाले आप वहां पर वो सिर्फ क्या है कैटलिस्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग स्यूडो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे बच्चों तो आपको समझ में आएगा नहीं ये चीज, क्योंकि वहां पर वाटर जो है एक्सेस मात्रा में लिया हुआ है, तो जब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे बच्चों उसके बाद ये समझ में आएगा आपको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं पढ़ना आपको, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो ये पढ़ सकते हैं वहां पर, वहां पढ़ना ही है आपको। तो जो वाटर एक्सेस है इसलिए रेट एक्सप्रेशन में इसको काउंट नहीं करते हम लोग, तो ये सब आप बात सीखेंगे आगे, है ना। यहाँ पर समझ लो कैसे काम हुआ, एच यहाँ रखना है बच्चों, एच ओ के नीचे लिखना है आपको, जो वाटर का जो एच होगा ओ के नीचे रखना है, और सी ओ के नीचे ओ एच रखना है बच्चों, सी ओ के नीचे ओ एच। जैसे यहाँ पर देखिए अगर ये 18 करते हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन 18 का मतलब क्या, ऑक्सीजन का जो आइसोटोप है ऑक्सीजन 18, एक होता है 16 एक होता है 18 एटोमिक मास, तो हम 18 वाला लिए, तो यहाँ पर 18 कर दिए, बॉन्ड ब्रेक कर दिए बच्चों, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच जो 18 वाला कार्बोक्सिलिक एसिड में आ गया, अब प्लस अल्कोहल ऐसा बन गया बच्चों, एक साइड से अल्कोहल बन गया, इस साइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, है ना। तो ये रिएक्शन हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, लेकिन कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसको बेसिक मीडियम में देखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शन देखा जाए केस टू में बेसिक हाइड्रोलिसिस, ये देखो एसिडिक वाला तो होता है रिवर्सिबल और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, लेकिन जो बेसिक हाइड्रोलिसिस होता है बच्चों ईस्टर का, वो जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, क्या होता है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है आपको ये, और क्या होता है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। ये सब बात आपको बताएं, क्या भी बात समझाएंगे तो समझ में आएगा नहीं, इसलिए केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लीजिए, ये बात बहुत ईजी है, समझ में आएगा आप लोगों को। यहाँ पर क्या होता है कि कोई ईस्टर है बच्चों आरडेस है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो रिएक्शन कैसे होगा, एच यहाँ रखो, ओ माइनस एन ए प्लस रखो यहाँ पर, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस एन ए प्लस, और प्लस क्या हो गया आरडेस ओ एच, ऐसा हो गया। ठीक है, तो देखो एक अल्कोहल बन गया, एक सोडियम साल्ट बन गया बच्चों, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा बन गया। अगर इस रिएक्शन में क्या करें बच्चों हम लोग,
अगर यहाँ HCl डाल दें H प्लस डाल दें, आप सिंपली H प्लस भी लिखेंगे चलेगा, तो क्या हो जाएगा O माइनस क्या करेगा H प्लस को ले लेगा और यहाँ से एसिड बना सकता हो, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता है, ठीक है। और इसके रेट ऑफ रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी कंसेंट्रेशन यूज हो जाएगा बच्चों, और ईस्टर का भी हो जाएगा, ठीक है, ईस्टर है ना, इसलिए इसका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं हम लोग। तो आगे पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में आप लोग, इस तरह से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, है ना, सारा मेथड बताया बच्चों आप लोगों, अब जो है इसका यूज कर सकते हैं आप लोग अपने केमिकल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में, ठीक है, तो यूज करो इसका आप लोग। और हम अगले क्लास में आपको हम बताएंगे, क्या बताएंगे, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बताएंगे बच्चों, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये प्रिपरेशन तो खत्म हो गया बच्चों, ठीक है, इसका यूज करना आप लोग, ठीक है बच्चों, थैंक्स।